और ये खेत में चाय लेके जाते हुए, शाम की चाय है। ये बेल पत्र का पेड़ है, बेल पत्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मुकेश जी रेडियो के आ गए, बिल्कुल सूट वूट लगा के चल रहा है। अच्छा, किसको मारेगा? पुनीत को। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर हम आपके लिए लेके आए एक न्यू ब्लॉग। और आई होप आप सभी ठीक होंगे, हम भी सही हैं। और दिल्ली से आज सुबह सुबह अभी गांव में पहुँचे हैं। आपको पीछे का दृश्य देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा हम गांव में हैं। और आज गांव में स्पेशल बाजरा काटने के लिए आए हैं। आज तो फंस गए बाजरा काटने के लिए, अभी खेत में जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और ये देखिए आप, कितना अच्छा व्यू है, मॉर्निंग व्यू है। ये देखो मॉर्निंग व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और ये टीम, और ये काटना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसका हाथ कितना फास्ट चलता है। और ये मॉर्निंग व्यू है सुबह सुबह का। ये देखिए आपको ऊपर से दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए आप, ये पहाड़ है, एक थोड़ी सी छोटी सी पहाड़ है पीछे साइड में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी नीचे लाल कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और ये तो भाई काटने के लिए लगे हुए हैं, और उसके बाद में, काटने के बाद में अपने मुकेश जी इधर चूटने के लगे हुए हैं। और ये लोग आए बाजरा काटने के लिए रेडी है, पूरी बांसी शर्ट पहन के, और ये शुभारंभ कर रहे हैं ये लोग। और जिसको भी बाजरा काटने की इच्छा हो रही है वो आ सकता है, बिल्कुल फ्री में सेवा है। जिसने कभी भी बाजरा नहीं काटा तो काटने के लिए, ट्राई के लिए आ सकता है, ट्रायल बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में पैसे हैं भाई। अब खेत की तरफ घुमाइए थोड़ा पड़ेगी। और एक घंटे से काट रहे थे, ये देखिए आप पसीना पसीना, कितना पसीना हो चुके हैं। धूप आ चुकी है, सूर्य भगवान ऊपर चढ़ चुके हैं। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी बहुत तेज होती जा रही है। आज तो गलती फंस गए कटाई में। और अभी तो ये बचा है इधर, अब ये काटने के लगे हुए हैं सब। आज तो शायद कट जाना चाहिए, आज ही संडे का दिन है, संडे की तो छुट्टी रहती है। हाँ जी मुकेश, और अभी तो बाजरा काटने के बाद भी वो मक्का भी उधर, ये मक्का भी काटनी है सारी क्रॉन। हंस रहे हो? हंस रही ना, हंस रही मक्का भी काटने अभी तो।
और ये नीलम है, सबसे फास्ट काटती है। छाया छाया हम काट रहे थे। अरे छाया हम छे काटो भाई अभी। हाँ हाँ ये मुकेश देख, देखते देखता ही काट पर लग जाए जी ओड़ी। अरे कोई ना देखे तो बैठे रहते ठालो ठालो। है मुकेश और ये टी ब्रेक आ चुका है काटने वाला। टी ब्रेक चल रहा है। अच्छा किसको मारेगा? रुको रुको रुको, अरे रुको। सुबह 6:30 बजे के लग रहे थे और आखिरकार पूरा काट ही दिया हमने बाजरे को। टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं अब और ये देखिए पूरा कट चुका है अब। हाँ 4 घंटे लग गए पूरे, पसीना पसीना हो गए। ये देखिए ये फट चुके हैं पूरे और ये लड़ाती हैं, इसके द्वारा काटा गया है। अब इनकी ऐसी पुली और बांध ली है कि तो और अब शर्ट को खोल देते हैं। शर्ट से बहुत बेनिफिट है, नहीं तो पूरे शरीर में खुजली खुजली हो जाती है अगर शर्ट नहीं पहने तो। पूरा टी शर्ट भीग चुका है। मेरे पीछे देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो गाइज गरम गरम चाय आ चुकी है और अभी चाय दी जाती है, एक कप 10 रुपया का है और उधर पानी भी है, इधर पानी रखा है और ये चाय गरम गरम देसी कड़क चाय, देसी भैंस के दूध की चाय है, प्योर दूध है, कोई मिलावट नहीं किसी तरह की और बिल्कुल फ्री में है, जिसको भी पीना है आ सकता है, कोई चार्जेबल चाय नहीं है। ले नहीं लो पानी पीना और ये पानी भी साथ में फ्री में दिया जा रहा है। ये चाय और ये अब चाय की चुस्की ली जा रही है। मीठा ज्यादा कर ली भाई, थोड़ा सा मीठा। चीनी थोड़ी सस्ती चल रही थी यहाँ इसलिए चीनी ज्यादा डाल दी इसने। चीनी का भाव कम हो गया और दूध का भाव ज्यादा है। 260 रुपए लीटर है चीनी, 40 रुपए किलो, 70 रुपए किलो दूध हो गया भाई, 70 रुपए किलो भाई। ये है नंदू जी, काफी दिनों से तलाश थी इनकी, आज ही मिल गए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी है नंदू जी, ढूंढे से भी नहीं मिलते। हाँ भाई क्या नाम है? बता नहीं रहा नाम, बता रहा शर्मा मत। नंदू जी रिश्तेदार, काफी दिनों से मिले आज। ये हसमुख स्वभाव के आदमी है और जयपुर में रहते हैं। झूठ थोड़ी बोला यार, जयपुर में रहते हैं। और ये दूध गर्म हो रहा है अपना और इसमें दलिया बन रहा है और अभी ये मक्का सेकते हैं। ये मक्का दे दी चूल्हे में, अभी थोड़ी देर में सिक जाती है और फिर देखते हैं। और ये खेत में चाय लेके जाते हुए
शाम की चाय है, अभी उनको चाय पिलाते हैं। और ये देखिए, ये बेल पत्थर का पेड़ है, बेल पत्थर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए नीचे भी आ रखे हैं। और इधर पपीता है, ये पपीता थोड़ी बेकार हो गई, ये देखिए। और ये बाजरा था पूरा जो हमने सुबह काट दिया, अब तो बस इसको बांधना है और फिर ऐसे इकट्ठा करके और मशीन बुलवाई जाएगी, उसके बाद में बाजरा निकलेगा। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है शाम का। और ये देखिए सूरज डल चुका है, सूरज छिप चुका है, डल चुका है, एक ही बात, सूरज गया पहाड़ के पीछे, हो गया, अभी गायब होने वाला है सूरज। हेलो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स करके जरूर बताना, और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये विलेज की लाइफ थी, सुबह से लेकर शाम तक हमने काम किया खेत में, बाजरा काटा। और ये तो जॉब लगने से पहले यही काम करते थे सारे दिन। ओके बाय, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।